प्यारे बच्चों तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर, और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। बहुत बड़ी अपडेट है, सर्कुलर आया है ये। अगर आप हैं एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में, या आप 10th में पढ़ रहे हैं दोनों, क्योंकि 10th में पढ़ने वाले भी 11th में जाएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको इस साइंस विद मैथ विदाउट मैथ आर्ट्स कॉमर्स इको क्या आपको लेना है, कितना परसेंटेज आपका किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ सभी का फंडा इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम जान लेते हैं साइंस का। जी हाँ, साइंस अगर आप लेना चाहते हैं विद मैथ, जी हाँ साइंस अगर विद मैथ आपको लेना है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्राइटेरिया है आपका। एग्रीगेट परसेंटेज यानी कि ओवरऑल आपका 55% होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके साथ ही आप बैठते हैं आगे, स्टैंडर्ड मैथ होना आपका कंपलसरी है, साथ में 50% से अबव, यानी कि 50% मिनिमम। अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ है लेकिन आपका 49% है तो आपका नहीं हो पाएगा, यानी कि 50 से अबव स्टैंडर्ड मैथ में होना चाहिए। और साइंस में भी आपके पास 50% से ऊपर होना चाहिए, 50%। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप विदाउट मैथ लेना चाहते हैं साइंस ये है विदाउट मैथ, यानी कि आप साइंस को लेना चाहते हैं लेकिन मैथ नहीं, तो ये सेम है, एग्रीगेट 55 ओवरऑल होना चाहिए। इंग्लिश भी सेम है 50%। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। स्टैंडर्ड मैथ अगर आपने लिया है तो आपके 40% मिनिमम होने चाहिए, और बेसिक मैथ लिया है तो आपका 45%, यानी कि 5% का आपका यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। स्टैंडर्ड मैथ के लिए 40% और बेसिक मैथ के लिए 45%, सेम यहाँ पर है कि साइंस में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो ये है साइंस विद मैथ और विदाउट मैथ। आगे देख लेते हैं, ये है कॉमर्स विद मैथ में। तो कॉमर्स विद मैथ में यहाँ पर देखो 50% एग्रीगेट, यानी कि ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। एंड देन इंग्लिश में 5% कम कर दिया है, 45% में ही आपका काम चल जाएगा। स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए आपका, ये भी कंपलसरी है, और वो भी 50%, यहाँ पर भी सेम है 55। और सोशल साइंस होना चाहिए आपका, सोशल साइंस में आपका 45% मार्क्स होना कंपलसरी है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में। कोई भी डाउट हो तो आप उसके बाद ही कमेंट करेंगे, फिलहाल आप जो हैं पूरी वीडियो देखिए, लाइक करके शेयर करते रहिए। ये है कॉमर्स विदाउट मैथ, यानी कि अगर आप मैथ नहीं लेना, आपने कॉमर्स लेना है, तो 50% सेम है, आपका एग्रीगेट होना चाहिए। एंड इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में होने चाहिए, यानी कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में 45% मार्क्स होने चाहिए। एंड देन यहाँ पर देखिए सोशल साइंस में आपका, सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होना कंपलसरी है। बस तीन ही क्राइटेरिया है, सोशल साइंस में 45, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक में 45, और ओवरऑल 55। एंड देन आप जान लेते हैं ह्यूमैनिटी, यानी कि आर्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास। तो पास जो बच्चा हो गया वो ले सकता है यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द CBSE, तो CBSE बोर्ड या उसके समकक्ष जो भी है वो पास होना जरूरी है। फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या है कि लीएसट 55%, तो 45% आपके कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप इको ले सकते हैं। एंड देखो फॉर गिविंग मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास लीएस्ट 50% स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए। 50% स्टैंडर्ड मैथ के साथ आप मैथ ले सकते हैं आर्ट्स में। तो यहाँ पर देखो ये क्राइटेरिया है आपके। तो कोई भी डाउट हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव हो डाउट हो किसी भी प्रकार के, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और एक और नोट करने वाली बात है कि आपको ये तीन क्राइटेरिया हैं, स्टेज है, थ्री सब्जेक्ट मेंशन है, आपको 5% की छूट मिल सकती है SC ST OBC में। तो ये कश्मीरी माइग्रेंट है, तो ये क्राइटेरिया आपका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।